हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं MMTC की, क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज स्टॉक में अपर सर्किट लगा है और पहले भी मैं स्टॉक के एनालिसिस कर चुका हूँ, यहाँ कहीं उस लेवल्स पे पकड़ा था और आप देखोगे पहले भी अपने अच्छे रिटर्न्स निकल के आए हैं। ये वो रिटर्न्स थे जब इधर पे पकड़ा था नीचे 41 के आसपास, तो अपने 53 के थे, उसके बाद और ऊपर गया स्टॉक। आज भी आप देखोगे एक बुलिश मोमेंटम था स्टॉक में और जो बायर्स का लेवल रहा वो 58 के अराउंड रहा था। इसके बाद स्टॉक में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली और 20% का अपवर्ड मोमेंटम रहा और अपर सर्किट लगा स्टॉक में। कल की बात कर लेते हैं, तो अगर कल मार्केट सही रहता है और स्टॉक में कल भी बुलिशनेस देखने को मिलती है तो स्टॉक ये लेवल ब्रेक करके 71 का स्टॉक का ब्रेकआउट लेवल रहेगा और फिर जो टारगेट्स रहेंगे वो फिर आपको पता ही है कि अच्छा चलने वाला है स्टॉक, और स्टॉक आपका इजीली 75 के टारगेट्स दिखाएगा आपको, बिकॉज वो एक साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ कहीं तक स्टॉक आपका आ सकता है और इसके बाद अगर और निकलता है स्टॉक तो फिर आपको 80 और 85 के टारगेट्स के आंकड़े लगा के रखने चाहिए। और जस्ट इन एनी केस अगर स्टॉक यहाँ से फॉल दिखाता है तो फिर आपका स्लंप थोड़ा ऐसे नीचे जाने वाला है और कुछ यहाँ कहीं स्टॉक सपोर्ट लेगा 65 इवन 64 के आसपास, बिकॉज जिस हिसाब से स्टॉक ने आज बढ़त दिखाई है 20% की, तो कुछ स्टॉक अगर नीचे रिवर्सल दिखाता है तो इतने नीचे तक जा सकता है 65 के आसपास, और अगर थोड़ा संभलें तो फिर आपको ये लेवल देखने को मिल सकता है। बीच की बात करें तो 67 इवन 68 के पर भी रह सकता है। और आप देखोगे स्टॉक ने पहले लगातार 2 दिन अपर सर्किट लगाए थे, ये वो एरिया है जहाँ पे स्टॉक में अपर सर्किट लगे थे, ये 20% के अपवर्ड मोमेंटम थे। तो अगर कल भी स्टॉक 20% की बढ़त देखने को कहीं मिलती है अगर स्टॉक में बुलिश रहता है तो फिर जो आंकड़े रहेंगे आपके वो यहाँ तक के मान के चल सकते हैं आप 85। ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ कि यहाँ तक स्टॉक जाएगा फिर, बट सडनली नहीं जाएगा। ये लेवल्स जो नीचे आपको बना के दिखाए मैंने, इन लेवल्स पर ही स्ट्राइक लेते हुए ऊपर जाएगा। तो ऐसे चलने वाला आपका MMTC कल के दिन। फॉल के लिए मैंने आपको लेवल्स क्लियर कर दिए हैं 2 लेवल नीचे के, और सडनली इतना फॉल नीचे तो नहीं दिखाएगा, अगर नीचे आना होगा तो धीरे धीरे करके ही आएगा। जैसा यहाँ पे आप देखोगे स्टॉक जब नीचे आना शुरू हुआ था यहाँ पे 20% का अपर सर्किट लगा के 71 के प्राइस से, तो धीरे धीरे आया था, फिर इस समय इस जोन में काफ़ी समय बिताया, कंसोलिडेट किया, फिर आज अपवर्ड मोमेंटम था। आज का मोमेंटम न्यूज़ ड्रिवन था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो न्यूज़ थी स्टॉक में, वो थी इंडियाज माइनिंग कंपनी सर्च ऑन रॉयल्टी रेट अप्रूवल फॉर स्ट्रेटजिक मिनरल्स। अब इसकी वजह से आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ द माइनिंग कंपनीज का जो स्टॉक था वो ऊपर ही था, MMTC, NMDC, कोल इंडिया, मॉयल, GMDC लिमिटेड, सारे ही देख लो आप। तो MMTC 20% अपवर्ड किया, मॉयल 10%, मॉयल का मैंने कल एनालिसिस किया था वो जाके देख सकते हैं वहाँ पे, NMDC का मैंने परसों एनालिसिस किया, तो सारे ही एनालिसिस मेरे 1-2 दिन में हो रखे हैं, आप चेक कर सकते हो। अभी की बात करें तो यहाँ पे शेयर राइज आफ्टर गवर्नमेंट अप्रूव रॉयल्टी रेट फॉर माइनिंग स्ट्रेटजी मिनरल लिथियम नियोबियम एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स। और यहाँ पे आप देखो कि अप्रूवल टू इनेबल गवर्नमेंट टू ऑक्शन ब्लॉक्स फॉर दीज मिनरल फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, तो पहली बार ये ऑक्शन अप्रूवल्स हो रखे हैं रॉयल्टी रेट से। इसी वजह से आप देखोगे ये बुलिशनेस देखने को मिल रही है आपको सारे ही माइनिंग सेक्टर में, इसी वजह से आपने आज बुलिश मोमेंटम देखा 20% का। और कल भी अगर रहता है मार्केट में तो फिर से ऊपर के लेवल्स मैंने क्लियर कर दिए, अदरवाइज स्टॉक कंसोलिडेट करके नीचे जाते हुए देखने को मिलेगा, तो शॉर्ट कर सकते हो शॉर्ट टर्म के हिसाब से। तो होपफुली मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ़।